पैथोलॉजी में आज हम देखेंगे कोलीसिस्टाइटिस एंड गाल स्टोन। कोलीसिस्टाइटिस यानी कि गाल ब्लैडर का इन्फ्लामेशन। एक्यूट कोलीसिस्टाइटिस होता है, ठीक है। तो सबसे पहले एक्यूट कोलीसिस्टाइटिस, तो ये एक्यूट अपेंडिसाइटिस के सिमिलर होता है मेनी वेज में। बिगिन विथ ऑब्स्ट्रक्शन फॉलोड बाय इन्फेक्शन। पहले ऑब्स्ट्रक्शन हुआ उसके बाद वहाँ पर इन्फेक्शन हो जाता है। एटियोपैथोजेनेसिस की बात करें तो एक्यूट कैलकुलस कोलीसिस्टाइटिस 90% केसेस जो होते हैं उसमें, एक्यूट कोलीसिस्टाइटिस के जो 90% केसेस है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन के कारण कोलीसिस्टाइटिस हुआ है इन नेक ऑफ गाल ब्लैडर और इन सिस्टिक डक्ट। गाल स्टोन हुए, गाल स्टोन कहाँ पे बने, गाल ब्लैडर के नेक में या सिस्टिक डक्ट में। अगर गाल स्टोन बन गए उसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हुआ तो उससे एक्यूट कोलीसिस्टाइटिस होने के चांसेस 90% केसेस में होते हैं। रिजल्ट क्या होगा इसका, गाल ब्लैडर डिस्टेंशन हो जाएगा और साथ में इन्फ्लामेशन भी देखने को मिलेगा इनिशियली, क्योंकि केमिकल इरिटेशन हो रहा है वहाँ पे। बाद में वहाँ पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाएगा, ई कोलाई, स्ट्रेप्टोकोकस, फिकालिस, इनका इन्फेक्शन भी होने के चांसेस हैं। एक्यूट ए कैलकुलस मतलब कि यहाँ पे कोई कैलकुलस का रोल नहीं है 10% केसेस में, मतलब ऐसा कोलीसिस्टाइटिस जिसमें कि गाल स्टोन की वजह से ना हो तो 10% केसेस में होता है, जैसे सर्जरी की वजह से हुआ है, बर्न्स की वजह से, इंजरी, रिसेंट चाइल्ड बर्थ, सेप्सिस, डिहाइड्रेशन, डायबिटीज मेलाइटस, गाल ब्लैडर में कुछ टॉर्शन हो गया, मरोड़ हो गई, इसकी वजह से 10% केसेस में होता है। रेयर काजेस जो है वो साल्मोनेला, कोलेरा और पैरासाइट इन्फेक्शन की वजह से भी एक्यूट कोलीसिस्टाइटिस हो सकता है। मॉर्फोलॉजी की बात करें तो जो दोनों फॉर्म है वो सिमिलर होते हैं एक्सेप्ट प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ कैलकुली। केवल उसमें एक में अब कैलकुली प्रेजेंट होता है, एक कैलकुलस में, और एक कैलकुलस में कैलकुली गालस्टोन प्रेजेंट नहीं होते। अब ग्रोसली बात करें तो गाल ब्लैडर में डिस्टेंशन होगा, टेंस हो जाएगा वो, गाल ब्लैडर में कंजेशन, हेमरेज देखने को मिलेगा, म्यूकोसा जो होगी वो ब्राइट रेड रहेगी, गाल ब्लैडर का एम्पाइमा यानी कि पुरुलेंट एक्सुडेट पस वाला एक्सुडेट भरा रहेगा। माइक्रोस्कोपिकली बात करें तो इन्फ्लामेशन, एडिमा, कंजेशन ये सब देखने को मिलेगा, ग्रेनुलो, उसके अलावा गैंग्रीनस, नेक्रोसिस भी देखने को मिल सकता है। क्लिनिकल फीचर्स तो बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होगा अपर एब्डोमेन में, हाइपरएस्थीसिया, गाल ब्लैडर जो है उसमें पल्पेबल हो जाएगा, टेंडरनेस आ जाएगी, इसके साथ साथ जॉइंटिस भी हो सकता है। क्रोनिक कोलीसिस्टाइटिस में क्या होगा कि गाल ब्लैडर की डिसीज है, क्लिनिकल गाल ब्लैडर डिसीज। इसकी एटियोपैथोलॉजी की बात करें तो इसमें कंबाइन या मिक्स गाल स्टोन का रोल हो सकता है, और प्री डिस्पोजिंग फैक्टर है सुपर सेचुरेशन ऑफ बाइल, बाइल का सुपर सेचुरेशन होने की वजह से भी क्रोनिक कोलीसिस्टाइटिस के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स, गाल ब्लैडर इनलार्ज हो जाएगा, वहाँ पे कॉन्ट्रेक्शन देखने को मिलेगा, कॉन्ट्रेक्टेड हो जाएगा। हिस्टोलॉजिकली थिक एंड कंजेस्टेड म्यूकोसा, जो उसकी म्यूकोसा है वो थिक एंड कंजेस्टेड रहेगी। इसके अलावा इन्फ्लामेटरी रिएक्शन, फाइब्रोसिस, पेनिट्रेशन ऑफ म्यूकोसा डीप इनटू द गाल ब्लैडर, मतलब कि म्यूकोसा को पेनिट्रेट करके इन्फ्लामेशन अंदर तक चला जाएगा, फाइब्रोसिस, क्रोनिक इन्फ्लामेटरी रिएक्शन भी देखने को मिल सकती है। कोलीसिस्टाइटिस, ग्लैंडेरियस, प्रोक्लीन गाल ब्लैडर, तो यहाँ पे जो पोर्सलिन गाल ब्लैडर है उसमें गाल ब्लैडर जो होता है वो एक सेल जैसा दिखाई देता है, और एक्यूट और क्रोनिक कोलीसिस्टाइटिस। अब क्लिनिक फिजिकल फीचर्स की बात करें तो फेट, फर्टाइल फीमेल वो 40 और 50, ये इसकी क्लिनिक इन लोगों को ज़्यादा होता है, फैटी हुई वुमेन होगी, फर्टाइल फीमेल है, 40 और 50 एज ग्रुप। एब्डोमन जो होगा डिस्टेंशन देखने को मिलेगा, टेंडरनेस गाल ब्लैडर का, नोजिया, फ्लेचुलेंस, और डल एक हो जाएगा, डल टाइप का पेन होगा हाइपोकॉन्ड्रियम में, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में। नीचे डायग्राम में देखने को मिल रहा है मिक्स गाल स्टोन और साथ में इसकी जो थिकन हो गई है उसकी म्यूकोसा, और साथ में कोलेस्ट्रॉल गाल स्टोन का डायग्राम दिखाया जिसमें भी वाल थिक हो चुकी है क्रोनिक कोलीसिस्टाइटिस। अब गाल स्टोन
गालस्टोन क्या होते हैं? गालस्टोन आर फॉर्म्ड फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द बाइल, बाइल के घटक से मिलके बने होते हैं, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल, बाइल, बाइल पिगमेंट और कैल्शियम शार्ट, इनसे ही मिलके बनेंगे गालस्टोन। अब जो यूजुअली गाल ब्लैडर के अंदर बनते हैं, कभी कभी ये एक्स्ट्रा बाइलरी अपरेटस में भी बन सकते हैं और इंट्राहेपेटिक बाइलरी डक्ट में भी बन सकते हैं। 4F इसमें आएगा, फैटी, फीमेल, फर्टाइल और 40 एज ग्रुप। इसकी जियोग्राफी की बात करें तो वेस्टर्न वर्ल्ड, अमेरिकन इंडियंस इससे अफेक्टेड रहता है, ब्लैक अफ्रीकन पॉपुलेशन इन ईस्टर्न वर्ल्ड इनको नहीं होता, फ्री रहते हैं ये। जेनेटिक फैक्टर तो फर्स्ट डिग्री रिलेटिव और जिनमें CYP7A1 जीन होता है उसमें म्यूटेशन की वजह से भी होता है। एज की बात करें तो 40 साल या 50 से 60 एज ग्रुप में ज़्यादा होता है, इंसिडेंस इन एज ग्रुप में ज़्यादा रहता है। वुमेन जो है उसमें 20% वुमेन और 8% मेन जो है 40 साल के बाद प्रभावित होते हैं। ड्रग्स की बात करें तो ओस्ट्रोजन थेरेपी या बर्थ कंट्रोल पिल्स लेने वाले लोगों को हायर इंसिडेंस रहता है, ओबेसिटी हायर इंसिडेंस रहेगा और डाइट में एल्कोहल लेने वालों को प्रोटेक्शन मिल जाएगा गालस्टोन से। फाइबर्स की डेफिशिएंसी वाले लोगों को भी ज़्यादा होता है। गालस्टोन जो है वो क्रोहन डिसीज से एसोसिएटेड हो सकता है और साथ में पिगमेंट स्टोन जैसे हीमोलाइटिक एनीमिया के बाद भी हो सकता है। पैथोजेनेसिस तो यहाँ पे पिगमेंट गालस्टोन, क्रोनिक हीमोलाइसिस, एल्कोहलिक सिरोसिस, बाइलरी डक्ट इन्फेक्शन और जेनेटिक फैक्टर, ये इसके पैथोजेनेसिस में कुछ फैक्टर्स हैं। अब पैथोजेनेसिस पहला, नॉर्मल या मिक्स्ड मिसलेनियस, ठीक है, तो नॉर्मल या मिक्स मिसलेनियस गालस्टोन जो होते हैं उसमें देखते हैं। इसमें क्या होगा कि जो कोलेस्ट्रॉल, लेसिथिन, बाइल एसिड है, ठीक है, वो पहले स्टेप है। अब दूसरी स्टेप में क्या होता है कि लीथोजेनिक बाइल, जिसमें कि HMG-CoAR इसकी कंसंट्रेशन और साथ में ये बढ़ जाएगा और 7α-HOSA और MDR3 ये कुछ ये कम हो रहा है। इसके अलावा जो कोलेस्ट्रॉल है वो लेवल बढ़ा हुआ, फिर जो लेसिथिन है वो नॉर्मल और बाइल एसिड नॉर्मल भी हो सकता है, फिर कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल, लेसिथिन नॉर्मल, बाइल एसिड कम हो गया, या कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल, लेसिथिन कम और जो बाइल एसिड है वो नॉर्मल। सुपर सेचुरेशन ऑफ बाइल, ठीक है, यही तो मेन रोल करता है गालस्टोन होने में, तो बाइल एसिड का पूल जो है उसमें बाइल एसिड कम हो जाएगा, कोलिक एसिड बढ़ गया, ठीक है, अब कोलेस्ट्रॉल न्यूक्लिएशन होगा, उसके बाद गाल ब्लैडर हाइपो मोटालिटी, बाइलरी स्लज और गालस्टोन फॉर्मेशन। तो पहले नॉर्मल मिक्स मिसेलनस जिसमें कि कोलेस्ट्रॉल, लेसिथिन, बाइल एसिड था, उसके बाद लीथोजेनिक बाइल जिसमें कि HMG ज़्यादा, 7α-OHA-HOSA कम और MDR3 कम, फिर उसके बाद सुपर सैचुरेशन हो गया, उसके बाद क्या हुआ, कोलेस्ट्रॉल न्यूक्लिएशन, गाल ब्लैडर हाइपोमोटालिटी हो गई, उसकी वजह से फिर बाइलरी स्लज बना और आगे चल के गालस्टोन। अब जो HMG-OAR जो है वो क्या है, हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्लूटाइल कोएंजाइम ए रिडक्टेस और 7α-OHS, ये क्या है, कोलेस्ट्रॉल 7α-O-lactase हाइड्रोलाइसिस। इसके अलावा MDR3 तो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट एसोसिएटेड प्रोटीन। प्योर गालस्टोन, तो प्योर गालस्टोन की बात करें तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 10% चांसेस रहती है फिर प्योर गालस्टोन होने की इनका। अब फिर कंपोजिशन, गाल ब्लैडर में चेंजेस और अपीयरेंस देखते हैं, तो कोलेस्ट्रॉल, बाइल पिगमेंट और कैल्शियम कार्बोनेट। जो कोलेस्ट्रॉल है वो गाल ब्लैडर में उसकी वजह से कोलेस्ट्रोसिस हो जाएगा और ये जो कोलेस्ट्रॉल के स्टोन बनेंगे ये सोलिटेटरी ओवल लार्ज येलो वाइट रहेंगे। बाइल पिगमेंट में और कैल्शियम कार्बोनेट वाले स्टोन्स में कोई चेंजेस नहीं आते, बाइल पिगमेंट वाले मल्टीपल रहते हैं और कैल्शियम साल्ट वाले भी मल्टीपल रहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट वाले मल्टीपल। बाइल पिगमेंट वाले मलबेरी शेप रहते हैं और ब्लैक कलर के होते हैं, जो कैल्शियम कार्बोनेट के स्टोन है वो ग्रे वाइट होते हैं। और जो मिक्स, ये जो प्योर गालस्टोन है 10% फ्रीक्वेंसी रहती है, बट जो मिक्स्ड वाले गालस्टोन रहेंगे इसमें 80% और कंबाइंड वाले जो रहेंगे उसमें 10% सोलिटेटरी रहते हैं और मिक्स्ड वाले मल्टीपल रहते हैं। अब कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो कोलेसिस्टाइटिस, कोली
कोलिडोकोलीलिथियासिस, उसके अलावा म्यूकोलेस या एम्पाइमिया, म्यूकोसियल और एम्पाइमिया हो सकता है, बाइलरी फिस्टूला, गाल ब्लेडर इलियस, पेनक्रियाटाइटिस और गाल ब्लेडर कैंसर हो सकता है। यहाँ पे ये जो मिक्स गाल स्टोन दिख रहे हैं, फिर उसके बाद कंबाइन गाल स्टोन और कोलेस्ट्रॉल के गाल स्टोन, उसके अलावा पिगमेंट वाले जो मलबेरी सेप के और कैल्शियम पिगमेंट वाले जैसे कि वाइल पिगमेंट वाले। तो यहाँ पे हम एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। जो गाल स्टोन है वो फेट फीमेल 40 फर्टाइल को होता है ज़्यादातर। और इसके अलावा यहाँ पे ये जो नॉर्मल मिक्स मिसेलियस था, फिर उसके बाद सुपर सेचुरेशन हुआ, फिर उसके बाद कोलेस्ट्रॉल न्यूक्लिएशन हुआ, गाल ब्लैडर हाइपरोसमोलिटी हाइपर मोटालिटी और बाइलरी सेल बना फाइनली गैलस्टोन। देन इधर कंपोजिशन की बात करें तो प्योर वाले होते हैं मिक्स और कंबाइंड। मिक्स वाले जो होते हैं वो मल्टीपल होते हैं, बाकी जो प्योर में कोलेस्ट्रॉल वाले और कंबाइंड वाले ये कैसे होते हैं सोलिटरी। जो प्योर में बाइल पिगमेंट और कैल्शियम कार्बोनेट है वो भी मल्टीपल ही होते हैं। बाइल पिगमेंट वाले ब्लैक कलर के होते हैं मलबेरी सेप के, और कैल्शियम कार्बोनेट वाले स्पाल ग्रे वाइट कलर के और मल्टीपल, और कोलेस्ट्रॉल के सोलिटरी रहते हैं ओवल रहते हैं येलो वाइट कलर के। कोलेस्ट्रॉल वालों में गाल ब्लैडर में कोलीस्टेरोलोसिस होने के चांसेस हैं। और फिर जो कॉम्प्लिकेशन कोलेसिस्टाइटिस, उसके अलावा बाइलरी फिस्टूला, गाल ब्लैडर इलियस, पेनक्रियाटाइटिस, गाल ब्लैडर कैंसर, म्यूकोसियल एम्पाइमिया, ये सब इसके कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। और यहाँ पे जो जियोग्राफी की बात करें तो ब्लैक अफ्रीकन से फ्री रहते हैं, वेस्टर्न वर्ल्ड अमेरिकन इंडियन को ज़्यादा होते हैं, फर्स्ट डिग्री रिलेटिव को ज़्यादा होने के चांसेस है, C7A1 जीन म्यूटेशन होने की वजह से उसमें 40 एज ग्रुप में ज़्यादा देखने को मिलते हैं, फीमेल में ज़्यादा 20% फीमेल अफेक्टेड होती है, 8% मेल। ओस्ट्रोजन थेरेपी या बर्थ कंट्रोल पिल्स लेने वालों को भी ज़्यादा देखने को मिलता है ये।